रानी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। मांधाता और पंधाना में बागियों के दिल बदले और भाजपा के हो गए। जी हां, मांधाता विधानसभा क्षेत्र और पंधाना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों ने अंतिम दिन अपना दिल बदला और वो भाजपा के हो गए। बता दें कि पंधाना से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में खड़े होने वाले चिंताराम जगताप ने वहाँ की प्रत्याशी छाया मोरे के सामने अपना दिल बदला और वो फिर भाजपा के हो गए। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही चिंताराम जगताप ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं भी आ जाए तो वो अपना फार्म नहीं उठाएंगे, लेकिन अचानक उनका दिल बदला और वो भाजपा के हो गए। उधर मांधाता से संतोष राठौर का भी दिल बदला और वो भाजपा के हो गए। उन्होंने भी मीडिया के सामने कहा था कि वो यहाँ पर जनता के मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से आकर भाजपा में विधायक बनने वाले नारायण पटेल ने कुछ भी नहीं कराया है और इसीलिए वो भाजपा से बागी होकर निर्दलीय लड़ना चाहते हैं, लेकिन अचानक कैलाश विजयवर्गीय पुनासा पहुंचे और उन्होंने संतोष राठौर को किसी तरह मना लिया और वो भी भाजपा के हो गए। इस तरह से दोनों ने पहले क्या कहा था और अब क्या कहा है, सुनिए। संगठन ने जो निर्णय लिया है पंधाना विधानसभा को लेकर, वो बहुत ही निर्णय गलत लिया है, क्योंकि खरगोन जिले से जिस व्यक्ति को उतारा है पंधाना विधानसभा में, वो अभी 2 महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में आई है और उनको टिकट दे दिया। कहीं ना कहीं हम लोग अनुसायिक संगठनों में काम कर रहे हैं, वर्षों से काम करते चले आए, 25-30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो हमारे किसी भी पंधाना विधानसभा में किसी को भी दे देते टिकट, ये मेरा विरोध है। देखिए, ऊपर से आना और बड़ी बात करना ये सबके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन चिंताराम को मनाना इतना आसान नहीं है। चिंताराम जगताप चुनाव लड़ेगा और डंके की चोट पे इस बार पंधाना विधानसभा निर्दलीय के रूप में जीत के आएगा। फाइनली आज आपने अपना नामांकन वापसी लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अनुयायी संगठनों से बनी है और हम कहीं ना कहीं शाखा हैं। ये जो स्तंभ खड़े हैं ना यहाँ पर, इनको आप देख रहे हो, इन्होंने सींचा है और इनके कार्यकाल में हमने अच्छे काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी को विजय, भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का हमारा लक्ष्य है, ना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नारे उल्टे सीधे लगाना है। इसलिए मेरा एक ही मिशन है कि हम भारत माता को परम वैभव पर ले जाएं, छाया दीदी को अच्छे वोटों से जिताएंगे और पंधाना को फिर वापस हम पुनः भगवा लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हर उस व्यक्ति को टिकट देने की कोशिश की है जिसने पार्टी की पीठ में छुरा भूका है और पार्टी के साथ में दगाबाजी की है, उसी को पार्टी ने उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है और उसको आगे बढ़ने में मदद की है। चाहे वो कांग्रेस से इधर होकर के आया हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, पूरे मध्यप्रदेश के अंदर की स्थिति आज देखने को मिल रही है और इसी बात से रुष्ट होकर, इसी बात से दुखी होकर के मैंने निर्णय लिया है कि आने वाले 3-4-5 दिन के दौरान में इस क्षेत्र के मतदाता और कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना फॉर्म जमा करूंगा और 30 तारीख तक इंतजार करूंगा। अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी अपना टिकट बदलती है और संतोष राठौर को इस क्षेत्र का टिकट अगर देती है मांधाता विधानसभा क्षेत्र का, तो ठीक है, अन्यथा 30 तारीख के बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री के पद से इस्तीफा देकर के एक इस क्षेत्र के लिए नए आयाम को लेकर के, एक नई बात को लेकर, एक नए जुनून को लेकर के शुरुआत करूंगा और अड़ना है, लड़ना है और जीतना है, इस नारे के साथ में इस विधानसभा क्षेत्र से विजयी होकर के बाहर आऊँगा। यही ओ,
हाँ, जितनी तपश्चर्या संगठन की मेरी है उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे लिए तो समझो कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भगवान का रूप है ये, और मैं इन्हीं को अपना आराध्य मानकर राजनीतिक क्षेत्र में काम भी करता हूँ। और जब सब तरफ से बातें निकली तो मुझे फ़ोन आए जो हमारे साथी हैं राकेश गुप्ता जी वगैरह, तो मैंने उनको ये कहा कि भाई साहब का अगर फ़ोन आ गया, एकमात्र भाई साहब वो थे जो अगर मुझे फ़ोन लगाते मेरे पास किंतु परंतु चूँकि बसता नहीं है, और उसके पीछे ऐसा नहीं कि इनकी बात मानना हम लोगों के लिए कोई किसी डर या भय का कारण नहीं होता है, इनकी संगठन के लिए और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए जो तपश्चर्या है आदरणीय भाई साहब की, उसका अपना इतना गहन प्रभाव वो होता है कि इनका एक इशारा होता है कि संगठन के लिए ठीक है आपके मतभेद कहीं कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर मेरे मतभेद थे, मेरे अपने व्यक्तिगत मतभेद ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के को जो तकलीफ थी उस चीज़ को लेकर मेरे मतभेद थे। जी हाँ, पिछले 15 सालों से लगातार आपकी सेवा में रॉयल एसीपी वर्क, बिल्डिंग, ऑफिस, शोरूम एसीपी, सीलिंग एवं घर की सुंदरता के लिए कराएं एसीपी वर्क, वो भी 10 साल की वारंटी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर हातिम परदेशी। हमारा पता रॉयल एसीपी वर्क, इंदौर रोड पदम नगर थाने के सामने रिलायंस मॉल के पीछे मुफद्दल पार्क खंडवा। मोबाइल नंबर 9009715952 और 9039515268।